फंसा हुआ है और इसमें एक छोटी सी बच्ची है, बहुत सीरियस कंडीशन है। क्या हुआ है आपकी बेटी को? एक्सीडेंट केस है, बहुत तबीयत सीरियस है। बहुत बहुत सीरियस तबीयत है। आप देखिए एम्बुलेंस फंसी हुई है प्रधानमंत्री की रैली में, और इसको निकालिए भाई, थोड़ा जगह दीजिए आप लोग। ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ नहीं है, यहाँ ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल नहीं है। एम्बुलेंस में तबीयत बहुत सीरियस है, बहुत ज्यादा सीरियस तबीयत है, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई नहीं है। कैसे गाड़ी को निकाला जाए? आप देख सकते हैं किस तरह से, बुरी तरह से एम्बुलेंस फंसी हुई है और इतनी खराब तबीयत है। सीरियस एक्सीडेंटल केस है, सीरियस केस है, लेकिन फिर भी ना ट्रैफिक पुलिस है ना कोई है, एम्बुलेंस निकालने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी आज आने वाले हैं और सरकारी बसें किनारे से लगी हैं, समर्थकों की गाड़ियां हैं, लेकिन कहीं से भी आप देख सकते हैं कोई मैनेजमेंट नहीं है ट्रैफिक का। लोग जहां हैं वहीं फंसे पड़े हैं, बहुत ख़राब सिचुएशन है। मैं आपको बताता चलूँ, ये देखिए कितना लंबा जाम लगा हुआ है और कोई ट्रैफिक पुलिस का अधिकारी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आम आदमी की जान अटकी हुई है, लेकिन सरकारों को रैलियां करना है, संबोधन करना है। क्या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम इस देश के नागरिक के जान से ज्यादा कीमती है? सवाल ये उठता है। अगर प्रधानमंत्री के आने से अगर किसी की मौत हो जाती है तो क्या प्रधानमंत्री का आना सफल माना जाएगा? अगर उस बच्ची की मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?